उत्तराखंड प्रदेश ऑटो एवं विक्रम महासंघ ने आजियो के द्वारा थ्री व्हीलर और विक्रम में जीपीएस लगाने का आदेश का विरोध किया। महासंघ के अध्यक्ष महंत विनय सारस्वत ने कहा कि महासंघ आजियो के इस आदेश का पुरजोर विरोध करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय ऑटो एक्ट में इस तरह का कोई नियम नहीं है जिसके अंतर्गत विक्रम और थ्री व्हीलर को जीपीएस लगाने की अनिवार्यता हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ रहे ट्रैफिक को लेकर सरकार को थ्री व्हीलर और विक्रम के नए लाइसेंस देने का भी महासंघ विरोध करेगा। देखिए इन सब लोगों को परमवीर सिपाही को मालूम नहीं होगा, उन सबको सब चीज मालूम है। सब कुछ मालूम होते हुए भी ये गैर कानूनी ऑर्डर्स करते हैं हमारे यहाँ और हमारा उत्पीड़न करते हैं। हमारी आज की प्रेस वार्ता सिर्फ इस बात पर है कि हाईकोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं जिनके ऊपर पिछले 20 साल से विचाराधीन नहीं है, हमारे उनके ऑर्डर भी दिए उनको नहीं मान रहे और उनका दबाव बढ़ गया है। हजारों हजार हिंसा कर रहे हैं, जो नए परमिट विक्रम और थ्री व्हीलर को दी जा रही है वो अविलंब उनको रोका जाए। दूसरी बात जो जी पी एस की है, तो जी पी एस जो सेंट्रल एक्ट है उसमें थ्री व्हीलर थ्री व्हीलर में अप्लाई होता है और हमारा खुलावा रहती है जी पी एस लगाया जाता है। देखिए इसी तरह से भी पॉसिबल नहीं है। और जहाँ तक बात है विक्रम और थ्री व्हीलर के खिलाफ, तो ये आरटीओ और आरटीए प्रशासन पूंजीपतियों से मिलकर के विक्रम और थ्री व्हीलर को तरह तरह से प्रताड़ित कर करके हमको ये बाहर करना चाहते हैं। आज ई रिक्शा चल पड़ा है और क्या है वो ई ऑटो चल पड़ा है, तो आप बताइए जब ये हजारों की संख्या में ये वाहन चलेंगे तो फिर सड़क पर जैसे देहरादून हो ऋषिकेश हो हरिद्वार, यहाँ पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देश और विदेश से तीर्थ यात्री श्रद्धालु आते हैं और सड़कें वही हैं, स्टैंड भी ये भी गए हैं और ये वाहनों को पीछे कपड़ों के ऊपर बढ़ा रहे हैं और ये दबाव बना रहे हैं। उसके बाद एक्सीडेंट जो है ये विक्रम वाहनों का और ट्रेनों का है। हमारा कहना है कि ये देखिए हमारा ये विरोध है, नए परमिट ना दिए जाएँ और जो भी ये जीपीएस है इसको हमारे पे अवेलेबल नहीं होता, ये इसको रोका जाए। सबसे बड़ी बात मैं ये